ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और अनिश्चितता बनी हुई है। उन जातकों के लिए वीडियो के लास्ट में दो विशेष सलाह की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, इन दोनों महीनों में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, सबसे पहले तो हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल पूरे मई के महीने में आपके राशि के द्वादश भाव पर रहने वाले हैं। राहु के साथ युति बनाएंगे तो आपके द्वादश भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग पूरे मई के महीने में बना रहेगा। 1 जून को मंगल अपना परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मई और जून दोनों महीनों में आपके राशि के द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव दोनों महीनों में आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहेंगे। केतु देव दोनों महीनों में आपके राशि के 6th भाव पर रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह मई की शुरुआत में आपके राशि के प्रथम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें 14 मई को सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, 19 मई को शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव पर जाएंगे और 31 मई को बुध का परिवर्तन होगा, यानी मई के पूरे महीने में जो बुध है वो आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके राशि के 11th हाउस पर मौजूद होकर शुभ अवस्था में रहने वाले हैं और मई के महीने में आपके लग्न भाव पर सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग भी बनने वाला है। हालांकि आपके राशि के स्वामी मंगल द्वादश भाव पर रहने वाले हैं, तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय के सिलसिले में इस समयावधि में आपके ऊर्जा स्तर में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में लगातार यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में सफलता मिलने वाली है। यदि आप वर्तमान समय में शनिजन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। पूरे 12 वर्षों के पश्चात देवगुरु आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो आपकी प्रबल इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होने वाली है।
व्यापारिक क्षेत्रों में उन्नति होने वाली है और व्यापार में नए नए अवसर भी आपको मिल सकता है। लेकिन मई के महीने में चूंकि जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, तो मई के महीने में आपको वर्क प्लेस पर क्रोध करने से बचना होगा। साथ में धैर्य के साथ आपको निर्णय लेना चाहिए, हड़बड़ाहट में करियर के मामले में निर्णय लेने से बचना चाहिए। और जून के महीने में आपके राशि के जो स्वामी बनेंगे वो आपके राशि में ही रहेंगे, तो पूरा जून आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिश्रित परिणाम इन दोनों महीनों में आपको मिलने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति दोनों महीनों में आपकी राशि के धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो आपके प्रथम भाव पर प्रभावी रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं दर्शकों, वो आपके लाभ भाव पर ही रहने वाले हैं, यानी शनि की मौजूदगी आपके लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मई का जो महीना है वो आपके जीवन में आपके धन आगमन के मार्ग तो खोल रहा है, क्योंकि देव गुरु धन भाव पर विराजित है। लेकिन मई के महीने में आपके जीवन में मंगल के द्वादश भाव पर रहने की वजह से अप्रत्याशित खर्चों का योग भी बनने वाला है। स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, तथा मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में ना चाहते हुए भी परिवार के ऊपर आपको काफी ज्यादा व्यय करना पड़ सकता है। जून के महीने में आर्थिक मामलों में प्रचुर मात्रा में धन लाभ की संभावना बनने वाली है और जून के महीने में बचत भी होने वाली है। 19 मई से धन भाव के स्वामी धन भाव पर ही रहेंगे, तो आप अपने जीवन में लगातार यदि आप प्रयास कर रहे हैं और किसी प्रकार का यदि आपके जीवन में कर्ज वगैरह बना हुआ है उससे भी आपको निजात मिलेगी। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए मई और जून के महीने में जो पारिवारिक स्थिति आपके लिए बन रही है उसमें मई के महीने में आपको समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी और मंगल देव जो आपके राशि के स्वामी हैं राहु के साथ पूरे मई में अंगारक योग आपके द्वादश भाव पर बनाएंगे और मंगल की दृष्टियां भी आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। तो पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचना होगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मानसिक रूप से आपको स्थिरता बनाकर चलना है। माता पिता घर के बड़े सदस्यों के अनुभवों को भी आपको मानना चाहिए। सेकंड हाउस पर यानी आपके वाणी भाव पर जो है वो मई के महीने में सूर्य का भी प्रभाव बनेगा 15 तारीख से, और चूंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं मई के महीने में रंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे, वाणी में कड़वाहट और क्रोध की अधिकता आप निर्मित करने से बचते हैं, तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। और पूरा जून का जो महीना है उसमें कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको मिलेगा और 20 मई से ही आपको सहयोग काफी ज्यादा मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों आपके शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्य देव आपके प्रथम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, और सूर्य की जो अवस्था है दर्शकों दोनों महीनों में बहुत ही शानदार बनने वाली है, क्योंकि सूर्य एक बार पुनः 14 मई से गुरु के साथ युति बनाएंगे और सेकंड हाउस पर गुरु के साथ युति बनाएंगे, एक बार पुनः आपके लिए गज केसरी योग बनने वाला है। तो यदि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा और सूर्य का प्रभाव दोनों महीनों में आपके जीवन में एकाग्रता की वृद्धि करवाने वाला है। और मई के 15 दिन तक तो सूर्य अपनी उच्च राशि में मौजूद है, तो यदि आप किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, किसी परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप सम्मिलित होते हैं, पूर्ण मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो आपको सफलता भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए ये समय शुभकारी
परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, क्योंकि पंचमेश जो है वह अच्छी अवस्था में विराजित है और वर्तमान में जो मेष राशि वाले जातकों की राशि जो कुंडली आपके लिए बन रही है उसमें जो देखा जाए शुक्र की अवस्था देखा जाए वो बहुत ही बेहतर है, इसलिए रिश्तों में आकर्षण बढ़ने वाला है और प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उसके लिए भी स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है। 15 मई से पंचमेश गुरु के साथ यानी गुरु विवाह के कारक हैं और पंचमेश गुरु के साथ प्रभावी हैं, तो यदि आप प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं उसके लिए स्थिति बेहतर बनने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक मामलों में शुक्रदेव की जो अवस्था है वो 19 तारीख तक आपके प्रथम भाव पर है, उसके पश्चात शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं। दोनों महीनों में शुक्र बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित है, 19 तारीख से अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए वैवाहिक शुभता बढ़ने वाली है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की वैवाहिक परेशानी चल रही थी उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों राशि के स्वामी राहु के साथ पूरे महीने में अंगारक योग बनाने वाले हैं और आपके छठवें भाव यानी आपके रोग भाव पर केतु की मौजूदगी बनी हुई है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी मई के महीने में रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा गलत खान पान से, जैसे आपको शराब मांसाहार धूम्रपान इन सब विषयों का सेवन करने से आपको बचना होगा। और जो जून का महीना है उसमें जब आपकी राशि के स्वामी आपके प्रथम भाव पर रहेंगे तो इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और जून के महीने में आपको बेहतर परिणाम सेहत के मामले में मिलने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। सबसे पहले राशि के स्वामी आपके द्वादश भाव पर पूरे मई के महीने में प्रभावी रहेंगे, तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है और किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को चिंता मुक्त रहने की आदत अपनानी चाहिए। देखिए, कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करें, हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचने का प्रयास आपको करना है। वर्तमान समय में यदि आप अच्छा संगीत सुनते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है या वर्तमान में यदि आप प्राकृतिक स्थलों पर जाते हैं तो आपको मई के महीने में काफी ज्यादा रिलीफ देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। इस राशि के स्वामी मंगल के दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलेगी। उसके साथ साथ है इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।